भाई हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। इवन के उनकी बुक्स हम पढ़ते हैं यार। अच्छा, हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, चाहे दुनिया का नंबर वन सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कर पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया है। जहां चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पूरे विश्व में जगह जगह जितने भी भारतीय रहते हैं उन्होंने जमकर आतिशबाजी की, जश्न मनाया। जहां आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह से अमेरिका में ढोल नगाड़े के साथ लोगों ने खुशी जाहिर की, तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत को ढेरों बधाइयां दी। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तान से जो है रिएक्शन आए हैं वो बड़े ही अजीब और मजेदार है। पाकिस्तान में जहां कोई मिशन मून की तारीफ कर रहा है तो कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि मिशन मून था क्या। पाकिस्तान के यूट्यूबर है शुएब चौधरी, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन लिया कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है उस पर आप बताइए क्या समझते हैं, जिसमें लोगों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि या तो आप कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं या फिर आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, क्योंकि वहां के लोगों ने ऐसे बेवकूफी भरे जवाब दिए हैं कि क्या कहा जाए। यूट्यूबर ने सवाल किया एक आदमी से कि आज भारत चांद पे पहुंच गया है, इस पर आप क्या कहेंगे, जिस पर उस बंदे ने जो कहा वो सुनकर आप हंसेंगे नहीं, आप कहेंगे ओ भाई मारो मुझे मारो। जी हाँ, उस आदमी ने कहा भाई हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए, नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। जिस पर वो पाकिस्तानी यूट्यूबर भी हंसने लगा और कहने लगा आप चांद पर बाघा बॉर्डर का कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर ऐसे ही रहा तो हम लात उठाने के लायक भी नहीं रहेंगे। तो वही उस आदमी ने आगे कहा कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है और वहां भारत चांद पे पहुंच गया है, हम क्या ही अपनी तुलना भारत से करेंगे। तो वहीं एक और शख्स को यूट्यूबर ने पकड़ा और उससे भी यही सवाल किया कि भारत चांद पे है आप क्या सोचते हैं, जिस पर उस आदमी ने कहा कि आप चांद की बात कर रहे हो, यहाँ तो बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही है और आप बात कर रहे हैं चांद की। तो वहीं तीसरे शख्स ने कहा कि यहाँ हम इतनी दूर की नहीं सोच सकते हैं, हम दशकों से गरीबी में जी रहे हैं, जब हम एक बार इससे बाहर निकलेंगे तो हम कुछ सोच सकेंगे कि हम चांद पे जाएं या सूरज पर, अभी इस बारे में बात करना व्यर्थ है। तो वही आगे शख्स ने कहा कि हमारा मुकाबला ही नहीं है भारत से, उनकी एजुकेशन आगे है, मेडिकल आगे है, टेक्नोलॉजी आगे है, वो हर चीज में हमसे आगे है, यहाँ तक कि हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं और हमारा क्या मुकाबला है उनसे। तो वही एक और शख्स ने कहा कि जब उनका चंद्रयान 2 फेल हुआ था तब हमने खूब मीम्स और फजीहत की थी इंडिया की, लेकिन आज जब उसने मुकाम हासिल कर लिया है तब कोई भी बात नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की मीडिया ने बढ़ चढ़ के दिखाया था कि मिशन 2 फेल हो गया है, लेकिन इस बार जब सक्सेसफुल हो गया है चंद्रयान 3 का मिशन तो पाकिस्तानी मीडिया में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं एक अली नाम के शख्स ने तो ऐसी बात कह दी कि लोग हैरान रह गए, उस आदमी ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल कर रख दी। उसने कहा कि हम क्या मुकाबला करेंगे भारत का, यहाँ की यानी पाकिस्तान की आर्मी चोर है, बेकार है, तरक्की ही नहीं करने देगी, आर्मी तो हम करेंगे क्या, मैं तो शॉपिंग करने आया हूँ और अब बाहर जा रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। तो वही यूट्यूबर ने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान से प्यार नहीं करते हैं, जिस पर आदमी ने कहा कौन सा प्यार, कैसा प्यार, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, पीने को नहीं है, देश हमें कुछ दे नहीं रहा है, तो हम क्या प्यार करें देश को। तो वही आगे उनने कहा कि काश पाकिस्तान कभी आज़ाद ना होता तो आज पाकिस्तान के हालात अच्छे होते, हमने क्या ही पा लिया आज़ादी लेके, बस भूखे मर रहे हैं। तो वही एक और शख्स ने तो ऐसा जवाब दिया कि वहां की यूट्यूबर की हंसी छूट गई, आदमी ने कहा कि ये सब फेक है, सोशल मीडिया की खबर है, बस ऐसे ही दिखा दिया जाता है, इंडिया झूठ बोल रहा है। देखें ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है, आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में, एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये, लाइव दिखाया गया है सर, लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक हो गया, आपको इतना इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा दुनिया में, ठीक है, अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं, ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए। हे भगवान, ऐसे लोगों का क्या किया जाए। खैर आज के लिए इतना ही, देशों दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज़ भारत।